ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार, एक नई जिंदगी के एक और एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हैं और बहुत अच्छा समय आप बिता रहे हैं। दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि जो मुश्किल समय हमारे जीवन में आते हैं, इनका सामना हम कैसे कर सकते हैं। और समीर जी, बहुत ही एप्ट टॉपिक है ये हमारी करंट सिचुएशन को देखते हुए। आज जब हम कोरोना वायरस के डर से घिरे हुए हैं, सब लोग अपने घर पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, बाहर जाना कम कर रहे हैं, और कितना डर और भय है और कितनी मुश्किलें हमारे आसपास आ गई हैं। बिल्कुल, हम सब अलग अलग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। शायद वो बीमारी है, शायद पैसों की तंगी है, कर्ज में डूबे हैं, अलग अलग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, आज हम वो सीखने वाले हैं जी। आज इस प्रोग्राम के द्वारा हम ये जान पाएंगे दोस्तों। और आइए अब हम मिलेंगे सुमा सिलम से, जिनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि अचानक उन्हें एक दिन पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। उनका जीवन मानो थम सा गया, बहुत चैलेंजेस उनके सामने आकर खड़े हो गए। आइए देखते हैं कि उनके जीवन में आगे क्या हुआ। सुमा सीलम अमेरिका में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही थी। लेकिन एक दिन, वो 4 जनवरी 2018 का एक सामान्य दिन था। मुझे यही याद है कि मैंने क्रिसमस के बाद अपने घर की साफ सफाई का काम खत्म ही किया था और मैं गिर गई थी। सुमा को जब होश आया तब वो हॉस्पिटल में थी। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर उनसे मिलने आए। वो कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गए और बोले, तुम्हारे जूते बहुत सुंदर हैं। मैं जानती थी कि डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं। पहले वो आपकी तारीफ करते हैं और बाद में कोई बुरा समाचार देते हैं। उस समय मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। सुमा को झटका जरूर लगा था, पर परमेश्वर में उनका विश्वास अटल था, जिससे उनका मनोबल कमजोर नहीं पड़ा। तब मैंने परमेश्वर की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस की थी। वो लोग मुझे सर्जरी के लिए ले गए थे और जब मैंने आंखें खोली तो वो शाम का समय था। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन सुमा की परेशानियाँ अभी खत्म होने वाली नहीं थी। डॉक्टर आमतौर पर सुबह 8 बजे तक आ जाते थे, पर जिस दिन मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई उस दिन वो 6 बजे ही आ गए थे। मैं आराम से लेटी हुई थी, डॉक्टर के आने पर मैं उठ गई। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने बताया कि तुम्हारी पैथोलॉजी रिपोर्ट अभी अभी आई है, ट्यूमर बहुत खतरनाक है और हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। सुमा को स्टेज 3 ब्रेन कैंसर था। उनके जीने की उम्मीद कम थी और पैरालिसिस होने का भी खतरा था। उन्होंने मेरा रेडिएशन शुरू कर दिया। 10 दिन के अंदर मेरे सारे बाल गिर गए और मेरा शरीर गुब्बारे जैसा फूलना शुरू हो गया था। मैं सुस्त और थकी हुई महसूस करती थी और मुझे भूख भी नहीं लगती थी। उस कठिन समय में भी सुमा घबराई नहीं, उन्हें बाइबल के वचनों से साहस मिलता था। मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहती थी। मैं परमेश्वर के पास जाकर और दुखी होकर ये शिकायत नहीं करना चाहती थी कि मैं ये काम नहीं करना चाहती। कीमो के 5 साइकल्स और 23 महीने बाद सुमा ठीक हो गई। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई बहन और परिवार के वो सदस्य जो मेरी देखभाल कर रहे थे, वो सब हैरान थे। ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने स्वयं मुझे बचाया। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और जॉब के जैसे मेरी भी परीक्षा ली। मुझे लगता है कि मैं इस परीक्षा में विजयी होकर निकली हूँ। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाऊंगी। दोस्तों, सुमा के जीवन से हम देखते हैं कि उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ेगी और परमेश्वर ने उसे निराश नहीं किया और आज वो ठीक है। तो दोस्तों, नेवर लूज योर होप इन गॉड। सच है, नेवर लूज दैट होप। पता है, मुश्किल परिस्थिति हर एक की जिंदगी में आती है। अलग अलग तरह की मुसीबतों का हम सामना करते हैं,
और कई बार हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मुसीबत मेरी ही जिंदगी में है और कोई हमें समझ नहीं सकता, हमें लगता है कि हम ही दर्द से गुजर रहे हैं। सच तो यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों के दर्द से गुजरते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक और सवाल हमारे दिमाग से आता है और वो है कि बुरी चीजें भले लोगों के साथ क्यों होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं हम तो ठीक ठाक हैं, कितने लोग हैं जो और ज्यादा बुरे हैं लेकिन वो सही चल रहे हैं, हमारी जिंदगी में दर्द क्यों आ रहा है। ऐसे भी सवाल हमारी जिंदगी में और हमारे दिमाग में आते हैं। शास्त्र में कहानी है अय्यूब की। अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर पे भरोसा करता था, लेकिन अय्यूब ने भी ये सवाल पूछा कि इस तरह की सफरिंग ऐसे क्यों हो रही है मेरी जिंदगी में। और अय्यूब बहुत मुश्किलों का सामना करता है, उसके परिवार गुजर जाते हैं, उसके शरीर में बहुत बीमारी आ जाती है, उसके जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो जाती है, उसकी हालात बहुत खराब हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है अय्यूब शायद परमेश्वर को भूल जाएगा या कोसने लगेगा, लेकिन अय्यूब परमेश्वर में भरोसा रखा। उसके कई मित्र थे, कोई मित्र आकर उसे सलाह देते थे, कहते थे तूने कोई पाप किया होगा इसलिए तुझे दंड मिल रहा है, और अय्यूब कहना नहीं, हम मैंने तो परमेश्वर पे भरोसा रखा है। शायद ऐसे विचार आपके अंदर भी आते हैं कि हमने तो विश्वास किया है, हम तो भले हैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर एक मित्र ये अय्यूब को कहता है कि तू दीन होके परमेश्वर के पास जा और पूछ और पता कर। अय्यूब परमेश्वर से फिर प्रश्न पूछता है कि ये क्यों हो रहा है, और उस अध्याय में हम देखते हैं कि अय्यूब समझ जाता है कि परमेश्वर परम प्रधान है, कि चाहे जो भी परिस्थिति हो सबसे बेहतरीन चीज है कि हम परमेश्वर पे भरोसा लगातार करते रहें। और अय्यूब की कहानी में बाद में हमें पता चलता है कि सारी चीजें परमेश्वर उसे रिस्टोर करता है, उसकी सेहत सही हो जाती है, उसका परिवार एक नए सिरे से आगे बढ़ता है, आर्थिक आशीषों का सामना अब अय्यूब करता है, सब कुछ बदल जाता है क्योंकि यीशु में परमेश्वर पे अय्यूब ने विश्वास किया। आइए इस वचन को हम देखें। यशायाह 55:8-9 ये कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आ सकते हैं क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते, हम परमेश्वर नहीं है, हम उसके विचारों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उत्तम है, भला है, परफेक्ट है, और उस पे हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं जैसे अय्यूब ने किया। आपकी बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है, उस पे हमें लगातार भरोसा करना है। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि आज की इस मिनिस्ट्री से आप इंकरेज हुए और आप परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां हमारी गलती की वजह से आ जाती हैं, शायद हम कुछ गलत डिसीशंस अपनी लाइफ में ले लेते हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर हम पश्चाताप करें और परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें तो परमेश्वर उन बुरी परिस्थितियों में से भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे को अपने डैड की बहुत जरूरत थी, तो ऐसा लग रहा था मेरी पूरी दुनिया क्रैश हो गई। मेरे भाई ने मुझे कहा कि बेटा तेरी तो मतलब की प्रॉब्लम है, तू कभी साइकिलिंग नहीं कर पाएगा। इंस्पायरिंग कहानियाँ, जिंदगी बदलने वाली गवाहियाँ और दिल को छू देने वाले म्यूजिक को अपने लैपटॉप स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं। देखिए हमारे साथ रोज हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे। भजले मन यीशु ना।
जाए बिगड़े का ये सुना सुबह हो शाम ये सुना ये सुना भजले मन ये सुना बदल जाते हैं ये सुनाम में हम संभल जाते हैं ये सुनाम का ना कोई सानी ये सुनाम है जीवन पानी ये सुनाम बन जाए बिगड़े काम ये सुना सुबह हो शाम वेलकम बैक दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं, और हमने समीर जी ने हमें बताया अय्यूब की कहानी से कि किस तरह मुश्किल समय में ही हमारा असली चरित्र निकल के आता है, और अगर अय्यूब की तरह हम परमेश्वर का हाथ थामे रखें, उस पर भरोसा रखें, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषित भी करता है। बिल्कुल, मुश्किल परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं, शायद आप इस समय कर रहे हैं, शायद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप निराश हैं, आर्थिक परेशानी है, शायद बीमारी है, जो भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं परमेश्वर है। लेकिन साथ ही साथ हम दूसरों से सलाह भी लेनी चाहिए। अय्यूब ने सलाह ली, हम भी सलाह लें, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। जी समीर जी, आपने सलाह की बात की, तो आज हम अपने दर्शकों की मुलाकात कराने जा रहे हैं काउंसलर अनुग्रह एडमंड से। ये हमारे साथ बातचीत करेंगे और बहुत ही साधारण शब्दों में, लेमैन टर्म्स में हमें समझाएंगे कि किस तरह हम मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। मेरा नाम है अनुग्रह एडमंड्स और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जब लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम उन टाइम्स से कैसे होके निकले। हमें अपने रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब ये रूटीन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है, तब इंसान जो है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़रूरी, अभी हम लोगों की जॉब जब तक ओपन हो तब तक बहुत टाइम लग सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन को, जो हमारा डेली रूटीन है, उसको रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी। दूसरी चीज़, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तीसरी चीज़, सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स, जो डिफ़िकल्टी में हमारे साथ हैं। चौथी चीज़, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डील करें, मतलब अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। तो हमारी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं, लेकिन सल्यूशन फोकस्ड होनी चाहिए कि हम, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया, समझा, अब हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। तो सोल्यूशन निकालने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है और जो मैं हर एक को हमेशा बोलती हूँ कि आप ज़रूर काउंसलिंग और थेरेपी के लिए जाइए। फिर एक और चीज़ है, फ्रीडम टू विल पावर, मतलब कि हम किसी सिचुएशन पे कैसे रिया
क्या करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये फ्रीडम हमसे कभी कोई नहीं ले सकता। तो भले आप उस समय लॉकडाउन में हैं, सारी आपकी फ्रीडम ले ली गई है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने नए नए टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इस टाइम पे भी वो अपने आप को 100% प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई चला किताबें लिख रहा है, सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम है कि आप इस सिचुएशन में अपना एटीट्यूड कैसे रखते हैं, ये चीज़ आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। मेरे से कई बार ऐसे काउंसलिंग में लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताइए कि एकदम हमारा मूड ठीक हो जाए, और वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। इसीलिए हम लोग दुआ में, अपने गानों में, हर चीज़ में धन्यवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जितना हम धन्यवाद देते हैं उतना ही और हमारी लाइफ में और अच्छी चीज़ें आती हैं। एंड फाइनली मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारा टाइम आता है और जाता है, सब कुछ बदल जाता है, ना अच्छी चीज़ें रहती हैं ना बुरी चीज़ें रहती हैं, हर एवरीथिंग चेंज। तो ये जो डिफिकल्ट टाइम है ये भी बदल जाएगा, एंड हैप्पियर टाइम्स विल डेफिनेटली कम। टेक केयर ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही हेल्पफुल टिप्स थे और इससे हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को ज़रूर कम कर सकेंगे। दोस्तों, हमारा परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुश्किल परिस्थिति में हैं, उसे आप पुकारें, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी सुनता है। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। तो दोस्तों, प्रार्थना करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। और आज का ये पहला मैसेज हमें भेजा है जेम्स ने, और ये कह रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत लोगों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जेम्स, आप मुश्किल परिस्थिति से गुजरे हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जी, और एक और मैसेज समीर जी हमें भेजा है हिल्डा ने, ये कह रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरा दिल तोड़ दिया, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हिल्डा, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप दोनों जानते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ है। आप लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद इस समय आपको भी लग रहा है कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति का सामना हम क्यों कर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हो, आप सवाल उठा रहे हो। जानो कि परमेश्वर परफेक्ट है, वो सब कुछ जानता है, हम उसके पास आ सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। ए परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, तेरी योजनाएं प्रभु हम पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर है ही नहीं, तेरे विचार बड़े हैं, ऊंचे हैं प्रभु, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू एक सच्चा परमेश्वर है, तू प्रेम से भरा है और तू सब कुछ कर सकता है। जेम्स की परिस्थिति को तू जानता है, हिल्डा की परिस्थिति को तू जानता है, और जैसे ये विश्वास करके तेरे पास आए हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि इनकी पुकार को तू सुन प्रभु। हम मांगते हैं कि ये दोनों तुझ पर भरोसा करेंगे, मुश्किल परिस्थिति में हारेंगे नहीं बल्कि तेरी ओर देखेंगे प्रभु, और तू एक हल लेकर आ यीशु मसीह, हम तेरे नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उन सब लोगों के लिए जो इस समय निराश हैं, टूटे हुए हैं प्रभु, दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि ये तेरे पास आएंगे, तुझ में मजबूत रहेंगे प्रभु, अय्यूब के समान मजबूत खड़े रहेंगे, तुझे कोसेंगे नहीं बल्कि इस समय इनका विश्वास और भी बढ़ेगा, ये जानते हुए कि तू एक भला परमेश्वर है। इनकी जिंदगी में तू आशीष दे प्रभु, इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, हमारी ये प्रार्थना है तेरे नाम से यीशु मसीह, आमेन। आमेन। दोस्तों, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर है। जी हाँ, परमेश्वर है, इसलिए हम उस पर भरोसा रखें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम एक्सपीरियंस करें। आइए दोस्तों, देखते हैं कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमें क्या बता रहे हैं। कितना अच्छा वचन है, अय्यूब कह रहा है, अब मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाता है। हमारी चाहत है कि आप और हम सब अपनी मुसीबतों के समय हम ये कह सकेंगे कि हमारा परमेश्वर है जो हमें छुड़ाता है। जी बिल्कुल समीर जी, अपने एक्सपीरियंस से हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने हमें हमारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दिया है, और आगे भी वो विश्वास योग्य है, इसलिए वो हमारी मदद करता रहेगा।
तो दोस्तों अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे जिंदगी की कहानियां सेगमेंट में अल्फ्रेड आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, सो स्टे विद अस। जिंदगी है तो परेशानियां भी हैं, परेशानियां हैं तो हल भी है। प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना। आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना केंद्र में फोन करें, हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये है कि हम इन मुश्किल समय का सामना कैसे कर सकते हैं। और हमने जाना कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो इस मुश्किल समय में हमारे और करीब है और हमारी मदद करता है। बिल्कुल, जिंदगी में कई तूफान आते हैं, कभी कभी अचानक आ जाते हैं, हादसे आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि हम कैसे हैंडल करें, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे अगले सेगमेंट जिंदगी की कहानियां में हम मिलेंगे अल्फ्रेड से जो शांति को ढूंढ रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह वो शांति को पाते हैं। क्या चाहिए आपको? काफ़ी देर से आप ढूंढ रहे हैं। सर मैं काफ़ी देर से शांति को ढूंढ रहा हूँ। आपको वाइफ को? नहीं नहीं भाई, मेरी क्या बात करें, वाइफ नहीं है, रबेका नाम है उसका, शांति नहीं है। शांति मतलब इत्मीनान, पीस, सब जगह देख लिया, शांति नहीं मिल रही मुझे। सर शांति नाम से कोई तो प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी शांति यहाँ नहीं मिलेगी। शांति शांति नहीं है। ओह थैंक यू सर, यहाँ भी दोस्तों क्या करें, लोग जाते पहाड़ों में, लोग जाते नदियों में, लोग जाते तीर्थ पे, शांति नहीं मिलती। और जो भी कोशिश कर ले आदमी, शांति इसी तरह शांति भंग हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप भी शांति की तलाश करो, शांति का राजकुमार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। एक समय की बात है, एक किश्ती पे प्रभु यीशु मसीह के चेले जा रहे थे और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तूफान आ गया। ऐसा तूफान आ गया, ऐसी ऐसी लहरें आने लगी, ऐसी बारिश, ऐसी हवाएं। उन्होंने सोचा कि भाई आज तो ख़त्म हो गए, ये पूरे की पूरी किश्ती यूं करके घूम जाएगी। और आपको पता कौन था किश्ती में? प्रभु यीशु मसीह। वहाँ प्रभु यीशु मसीह नीचे सो रहे थे। पतरस ने बड़ी हिम्मत करी, सर कभी ये खींच रहे हैं, कभी वो खींच रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सब कुछ करते हुए। और जब हार गए, उनने पुकारा, हे स्वामी हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा ले। और एकदम प्रभु यीशु मसीह उठे। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है भाई? और उसने उस आंधी और तूफान को थमा दिया और एकदम शांति होगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में अशांति है और आप शांति को ढूंढ रहे हो मेरी तरह, सिर्फ शांति परमेश्वर आपको दे सकता है। कैसे दे सकता है? जब आप उसके पास आएंगे और बोलेंगे हे परमेश्वर मुझे बचा लो, अपने तूफान में उसको जगा दो और वो आपको शांति देगा। घर के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। कितनी अच्छी कहानी थी ये, सच्ची कहानी परमेश्वर के वचन से। दोस्तों अक्सर जब मुश्किल समय हमारे सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। परमेश्वर को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने अपनी शांति हमें दी ताकि हम इस मुश्किल समय में भी शांत रह सकें। बिल्कुल, परमेश्वर चाहता है कि हम ये जाने कि परमेश्वर है, वो हमारा ख्याल रखता है। जब वो पक्षियों की
का ख्याल रखता है तो हम तो और भी मूल्यवान हैं और परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। मुश्किल परिस्थिति में भी हमें ये जानना है। अय्यूब ने जाना और परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को का आदर किया और वही परमेश्वर आपके विश्वास का भी करना चाहता है। जी बिल्कुल। तो जाते जाते दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं। इस गीत का नाम है थक चुका हूँ। जब हम अपनी परेशानियों से अपनी मुश्किलों से थक जाते हैं हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के पास जाना है और वो हमें शांति आनंद देते हैं। तो अब हमारे जाने का समय हो गया है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप इस गीत को सुने और इसका आनंद लें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। साथ में।